This movie is encoded by Dr. Star. सिस्टर ने अगर उन्होंने मुझे इस हालत में यहाँ पकड़ लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुमने कुछ सुना? ओह शिट, लगता है उनमें से कोई है। बहुत ठंड है, फिर से आ जाओ बेबी। ओह बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, इससे पहले वो लोग आ जाएं। ओहो, तड़पता छोड़ के मत जाओ, वापस आ जाओ। सॉरी। आपके धरती को मैं अकेला हिलाऊंगा? अरे आ जाना बेबी, आ जा। अरे अरे ये चीख किसकी? बेबी मुझे क्यों डरा रही हो? आ जाओ बेबी, अरे आ जाओ, हम फिर मस्ती करेंगे। आ जाओ ओ बेबी, फिर धरती हिलाएंगे। तू किस प्लेनेट से आया है? जब तक की सरकार इस शिप के बारे में कोई खास फैसला नहीं लेती है, तब तक हम लोग आपके सामने इसके बारे में रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे। और जानकारी के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा। ए, क्या है? कांटा फंस गया है। ए, वो क्या है? अरे क्या है वो? अरे अरे कैमरा क्या है? हाँ, देखा, हमने देखा, आसमान से कोई छतरी जैसी चीज नीचे उतर रही थी। करते हुए नीचे उतरा। अब तक की मिली खबरों और सबूतों से एक बात जाहिर हो जाती है कि हम लोग इस प्लैनेट पे अकेले नहीं हैं। वाव चैनल से मैं थी मिशेल फॉक्स। गुड नाइट और देखते रहिएगा आसमान से गिरते टुकड़ों। क्या बात है हैवर्ड? वैसे तुम्हारे पास पिछले महीने की रिपोर्ट है, क्या हमारे सारे आईडियल प्लेन क्रैश में मर जाएंगे? हमने तो ठीक ही किया। ठीक करती हो? तुम हो क्या सबसे बड़ी? मेरा मतलब आजकल हमारे चैनल्स के लिए व्यूवर्स कम होते जा रहे हैं। देखो मिशेल, तुम कुछ अनोखी चीज लेकर आओ वरना मैं किसी और काबिल को रख लूंगा। मैंने कब कहा कि मत रखिए? लेकिन सुनिए, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास आइडिया नहीं। ये भी नहीं। हाँ, ये बेटरेट का सबसे हॉन्टेड गांव माना गया है और यहाँ पे एक लड़की का किडनैप हुआ था। किडनैप? क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तुम किस एंगल से दिखाना चाहती हो? रुकिए, ये पिक्चर उस गांव की किसान की लड़की की होगी। अब आगे सुनिएगा, वो खूबसूरत है और सेक्सी है। उसका किडनैप होता है और जब वो वापस आती है तो वो प्रेग्नेंट है और उसका कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ है। सिर्फ एक हफ्ते पहले। अब देखिए उसके पेट की ओर देखिएगा। उसका पिता कौन है? क्या वो बहुत ज्यादा खाती है? मुझे पसंद आए, उससे मिलो और उससे बोलो कि तुम उसका कवरेज करने जा रहे हो और अपने पसंदीदा कैमरामैन को ले लो। देर हो रही है, उसका नाम क्या है? रॉकी। राइट, चलो शूट करते हैं। क्या वो सस्ता है? अपनी टीम को लाएगा? मेरे कहने पे वो इनकार नहीं कर सकता। चलो मार्क करो। रेजर ब्लेड स्माइल 2 स्टेट 666 टेक 1 एक्शन। अब भी बताती हूँ कमीने। मैं तुझे, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उसे टीम में ले लो। और अब तुम्हारी टीम में एक्सपर्ट्स कौन कौन है? हाँ, मेरा एक और दोस्त है जो हमेशा इंटरनेट पे बैठा रहता है, कुछ ना कुछ ब्राउज करता रहता है वो। मैंने कहा एक्सपर्ट्स। मैं कह रही हूँ ना, वो डेफिनेटली एक एक्सपर्ट है और सबसे ज्यादा वो ब्रिटिश यूएफओ रिसर्च कमेटी का हेड भी माना गया है। मैंने उसके बारे में आपको पहले नहीं बताया। फिर से एक बार तुम अपनी टीम का जायजा लो।
अच्छी तरह परख लो। एक ऐसे कलाकार को लो जो एलियन भी लगी और बॉयफ्रेंड भी। मैं तुम्हें एलियन के भेद में कैसी लगती हूँ बेबी? अच्छे कलाकार को लो। और लड़की का क्या करें? मैं गेस करती हूँ, कैंडी चलेगी। हम उसे यूज करते हैं, वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए नहीं कि वो मेरी गर्लफ्रेंड। और फॉक्सी, एक चीज का ख्याल रखो, प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए। नीचे उतरो मंचले नौजवान। सुनो, शूटिंग लोकेशन जाने के दौरान अगर ये ना होता तो मैं डर से तड़प उठता। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है बच्चू। उसके लिए उनके पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं। ये अय्याशी वाला स्टेशन लंदन में क्यों नहीं है जैसा हर जगह है? लंदन के एक्सपर्ट को तो मैंने अपने साथ बुलाया है, मैं जानती हूँ वो नटखट है। वो देखा तुमने, वो शुरू हो गया अपना लेकर। तुम ठीक तो हो ना मिस्टर गोविन? मिशेल फॉक्स, पर तुम लोग यहाँ कैसे आए हो? वाकई तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हो रही मिशेल। ओ कार्मेन प्लीज। मिशेल कसम से मैं तुम्हारे शो को बहुत पसंद करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि इस जगह पर कुछ अनोखी घटना घट रही है। शायद मैंने तुमसे कभी कहा था कि एक चर्च के पास मैं गिरा और वहाँ पे धरती हिलने लगी। देखो मेरा मानना है कि यहाँ पे अनोखी घटनाएं हो रही हैं। देखो अपनी कहानी तुम हमें बाद में बताना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उस टापू पे कभी कभी जलजला आता है। क्या कहा, जलजला? वो टापू पेनिनसुला से कम 2 माइल की दूरी पर है और कहा जाता है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है और उसी वजह से हमें मेन लैंड की तरफ से होकर जाना पड़ेगा जहाँ पर अक्सर जलजला उठता है। कहा जाता है इसकी वजह वो एलियंस ही हैं। अगर ये मिशन कामयाब हो गया तो हम खुश नसीब होंगे। ज्योग्राफिकली वो जगह बड़ी ही अजीब है और जलजला भी उसी जगह पे उठता है। सच? वो टापू विलियम फैमिली का है, सदियों से उस पर उनका राज रहा, प्राचीन समय से ही उसका नाम है और वहाँ की जमीन उपजाऊ नहीं है, कोई दुकान नहीं, न पड़ोसी, न ही कोई दारू की दुकान। पूरे ग्रेट बिट्रेन में बड़ा ही अजीबोगरीब टापू और वहाँ जाकर पिक्चराइजेशन करना बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, है ना? मेरे हिसाब से एकदम बकवास। कोई मस्ती नहीं, सिर्फ लहरें हैं। वो जानते हैं कि हम लोग आ रहे हैं? हाँ। हो सकता है वो सब किडनैप हो गए हों। क्रीविन प्लीज। हेलो मिस विलियम, कोई है? अरे कहाँ पर है? अब वो लाइट जलाने के लिए स्विच भी नजर नहीं आ रहा है। हेलो, अंदर कोई है? अच्छी जगह है।
ओफो, कहाँ आ गए? क्या मुसीबत है? क्या सूप है? डिंग डॉन्ग, गोल्डीलॉक्स, हम आ गए। यहाँ सब के सब आखिर कहाँ चले गए? अरे उनकी किसे पड़ी है, मुझे तो भूख लगी है। यहाँ ठीक से शूट करो। ये गैस मास्क किसके लिए पहने? मिलिट्री वाले पहले यहाँ आए होंगे और उन्हें मार दिया गया होगा, अब वो इन्हें जलाएंगे। ये, 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 What the hell are you shooting in your house? क्या यहाँ कोई प्यार से बात करना जानता है? Excuse me, sir, क्या आप में से कोई हिंदी जानता है? हिंदी है? कोई बात नहीं, क्या कोई यहाँ पे कैट विलियम्स को जानता है? हम यहाँ पर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। ओह नो, नो नो नो, भगवान के लिए रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं माफी चाहती हूँ लेकिन मेरे भाइयों को हिंदी नहीं आती है। हिंदी? और वो अनजान लोगों से बातें नहीं करते। इसका इस्तेमाल क्यों? माना कि हम ये इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये सब पुराना रिवाज है। हमारे पास तो आधुनिक पावर सप्लाई है, मैनुअल। क्या हम कचरे से बेकार चीजों को इकट्ठा करते हैं और अपने होल्डिंग बॉक्स में रखते हैं, जिससे हाइड्रोजन सल्फाइड पूरी जगह को बिजली देता है। इसमें मेंटेनेंस की भी जरूरत कम है। अच्छा, पावर के लिए फॉर गैस हम भी उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट आस्क देम टू मनी फॉर शूटिंग। आपने अभी तक लोकेशन की फी हमें दी नहीं है, अभी देते हैं। देयर इज मनी नथिंग फॉर अस, द पापा दे हैव कम लुकिंग फॉर एलियंस जस्ट बिकॉज़ ऑफ टूरिस्ट किडनैप आवर लिटिल सिस्टर। आई एम स्टिल नॉट कन्विंस्ड दैट वाजंट यू। माफ कीजिए, जब आप आए मैं सो रही थी लेकिन मैंने आपके लिए खाना बनाना नहीं भूली। हाँ, देख सकते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने आपके लिए मटन की जर्दी बनाई है। ऑलराइट, सफर की वजह से हम लोग काफी थक गए हैं और हमें भूख भी तो नहीं है। मैं जानना चाहती थी कि एलियंस की खाल मिलने में कितना समय लग जाएगा। मुझे डर है कि जो मैं कर रही हूँ मेरे भाइयों को मंजूर नहीं है। उम्मीद करती हूँ वो कोई मुसीबत नहीं खड़ी करें। मुझे भी उम्मीद है, वैसे मेरे भाई ऐसे नहीं। ओ, तो फिर तुम्हारे भाई कैसे हैं जरा बताओगी? वेल, तुम्हारे भाइयों ने और क्या देखा? मेरे भाइयों ने अजीब सी हलचल देखी आसमान में। किसी भी सच्चे क्रिश्चियन को उन शैतानी पत्थरों के पास नहीं जाना चाहिए, वो श्रापित जगह है। ओ, उन पत्थरों के बारे में बहुत से विद्वानों ने लिखा है कि हकीकत में वो पत्थर नरक के द्वार हैं, और जब भी शैतान वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो वो पत्थर उन्हें स्वर्ग से नरक में दोबारा खींच लाएंगे। Please show me something. One UFO or a glimpse of an EBE. Please. Oh, मैं इतनी देर तक सोती रही। You've got to believe me. I've just seen one of those FUO thingies. Quick!
UFO. पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, पर मैंने अंतरिक्ष से उन शैतानों के टुकड़े उतरते हुए देखा। टुकड़े? तो हम उन टुकड़ों का क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो क्या है कि वो एलियंस की खोज के हमारे काम आएंगे ना। अरे मोटू, जो टुकड़े अंतरिक्ष से गिरे हैं वो किसी तरह की जानकारी नहीं देंगे। अरे बेवकूफ, बकवास मत कर, कभी तो अपने दिमाग के ताले को खोल करके तो सोच, गधा है। तुम कुछ कम नहीं। कौन ऐसी हरकत कर सकता है? हो सकता है उनका हमारे स्वागत का यही तरीका हो। ये मत सोचो कि इस तरह की घटिया हरकतों से वो हमारा स्वागत करेंगे। कमबख्त, डरा के जान ले रहा है कमीना, अबे हार्ट अटैक पड़ जाएगा। लेकिन हम उसे ऐसे तड़प कर नहीं छोड़ सकते, किसी न किसी को उसे मुक्त करना होगा। उससे मारकर मुक्ति देना कोई गुनाह नहीं। सच कहूं, इस आदमी ने हमें डरा ही दिया समझो। जानता हूं तुम मुझे कुछ खोज करने के लिए दोगे। बेट्रिस रिसर्च कमेटी का चीफ होने के नाते आप लोगों का मैं अपने प्लेनेट पर पूरे सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। क्यों नहीं, आप जुग जुग जियो और समृद्धि में रहो। अच्छा लग रहा है ना, ये क्रॉप का सर्कल, हम प्रूव कर देंगे कि एलियन जरूर है। हाँ, एलियन के बारे में कोई शक नहीं है, ऐसा लगता है प्रोनो की रानी सही कहती थी। तुम सही कह रहे हो। कितनी अच्छी घास उगी है, मुझे यकीन नहीं होता अपनी आँखों पर। हाँ, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या बात है गर्वन, लगता है तुम्हारा ख्वाब सच हो गया है। नहीं, तुम लोग झूठे हो, तुम लोगों ने ही ये पुतला बनाया, और अब ये ना कहना कि कुछ नहीं जानते हो। हम सही में कुछ नहीं जानते। तुम लोग ही ड्रग वगैरह भी लेकर यहाँ आए और ये क्रॉप सर्किल भी बनाया, और पिछले महीने तुमने अपने शो में दिखाया भी था। मेरा ये सपना है कि एलियन के होने का दुनिया के सामने मैं पक्का सबूत रख सकूं। तुम नहीं जानते कि वो मेरे लिए कितना अहमियत रखता है। दुनिया में मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो समान चीजों को छोड़कर दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैंने सोचा कि तुम्हारा चैनल सच्चाई की आवाज है, तुम्हारी जनता के प्रति जिम्मेदारी है। अगर सच कहूँ तो हम लोगों को ये सब करना पड़ता है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो भला हमारे शोज की टीआरपी कैसे बढ़ेगी, तुम ही बताओ। और जीने के लिए हम लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना ही पड़ता है ना। और सच कहूँ तो जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अपने शो के लिए अगर इस हफ्ते में कहानी नहीं देती हूँ तो समझो मेरा शो खत्म। ठीक कह रही हूँ ना मैं सच्चाई चाहता हूँ। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। ये अच्छा कहा कि तुमने एलियन सचमुच में मौजूद है, ऐसा लगता है तुमने स्टार ट्रेक से उनका स्वागत किया है। वो भी सकता है ना। का चीफ होने के नाते मैं तुम्हारे इस ड्रामे को एलियन का सबूत बनाने नहीं दूंगा। अब बस भी करो। तुम में से किसी को भी एलियन एक्टिविटीज के जानने के बारे में उमंग नहीं है। गॉड।
रहा है? आखिरकार हम इस चीज को अपने शो पे नहीं दिखा सकते हैं। तुम रिकॉर्डिंग बंद करो। सॉरी, मैं इतनी देर सोती रही। ओह, इसमें कोई बात नहीं, थकान हो गई होगी। मैं सच कहूँ तो अगर इस दुनिया में जन्नत कहीं पर है तो वो सिर्फ इसी जगह पर। क्यों, तुम लोगों को क्या लगता है? ठीक कह रही हूँ ना? हे कैंडी, तुम कहो तो तुम्हारा एक खूबसूरत कवरेज कर दूँ। रिकी, रिकी, एक मिनट के लिए यहाँ पे आ सकते हो तुम? कुछ टेक्निकल कवरेज करना है मुझे इस तरफ। ओके, ठीक है। ये तो पुराना है, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। यहाँ आओ। ओए, क्या हुआ बे? इस तरह से उछल कूद क्यों कर रहा है? कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये करंट पत्थरों में से था। स्टोन सर्किल रिसीव एनर्जी के नाम से जानी जाती है। वो ले लाइन को पावर सप्लाई करती है। अभी ऐसा ही हुआ। कभी कभी ऐसी करंट आपको लगेगी जब ये अंडरग्राउंड टनल से जुड़ जाते हैं। ओ, ये किसी एरियल लड़की करंट हो सकती है जो मुझे लगी। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तू सटिया गया है। हाँ, अच्छा है, बढ़िया है, चलो कभी काम आएगा। So, Miss William, साफ साफ हमें बताइए कि उस रात आपके साथ क्या घटना घटी। कि आपने और आपके बॉयफ्रेंड ने कुछ ज्यादा ही पी लिया उस दिन रात, और आपको यकीन है कि क्या आप नशे में नहीं थी? जवाब दो। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैंने रिपोर्ट की लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उम्मीद है कि तुम समझोगी। वेल, मैं समझ रही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जब हमने ढूंढने की कोशिश की तो वो गुमशुदा लोगों में नहीं था। तुम्हें लगता है मैंने उसे मारा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा तुमसे, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहती हूँ। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मेरी कहानी पर बिल्कुल विश्वास नहीं। और मैं तुम्हें ये कहानी इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम मुझे पैसा दो जिससे मैं अपना अबॉर्शन कराकर अपने अंदर के एलियन शैतान को मार सकूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें इसलिए ये सब नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जरिए मशहूर हो सकूँ, लेकिन तुम्हें समझाने का अब कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, तुम एलियन रेपिस्ट के बारे में ही जानना चाहती हो ना, तो तुम्हें मेरी कहानी पर यकीन करना ही होगा और मुझे किसी ड्रग एडिक्ट के केस में मत फंसाना, समझ गई? एक्चुअली मैं सोच रही थी अगर तुम जब बच्चे को जन्म दे रही होगी वो हमें देखने दोगी तो तुम्हें काफी पैसे देती। ये इमोशन भी अच्छा था टेलीकास्ट के लिए, लोगों को अच्छा लगेगा और हैवर्ड को तो सबसे ज्यादा। प्लीज प्लीज आओ ना, कहाँ जा रही हो? मुझे माफ करना, मुझे जाना होगा। और अब उस तरफ से ओके, सब लोग, सारा काम खत्म। लेकिन मुझे दुख है, सच में कुछ नहीं हुआ। ये औरतें ऐसी ड्राइव करती हैं। हाँ देव, तुम लोग इसे देखकर यहाँ नहीं ला सकते थे। ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने इस टापू का बीमा नहीं कराया होगा। ठीक है, फिर से स्टार्ट करो। मेरी समझ में नहीं आता
अरे मेरी जान, तुम स्टार्ट क्यों नहीं होती? ये कमीनी बहस यहाँ पे भू भू क्या कर रही है? हाँ, किसी ने उसको छेड़ दिया होगा। चलो चलकर देखते हैं, शायद गेविन के एलियंस हो। हाँ चलो चले। तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? फिक्र मत करो, ये रहा डॉक्टर। जरा होशियार रहना। ओह शिट, ये लगा लो। भैंसों का शिकार करना एलियंस की फितरत है ना गवर्नमेंट? शिकार करना वगैरह एक बात है, पर इस तरह की चीजों को टीवी पर प्रोग्राम के रूप में दिखाना अच्छी बात नहीं, एक कमजोरी है। बकवास मत करो, भैंसों को हमने नहीं मारा है क्या वेन? पर जो भी हुआ है अभी हाल ही में हुआ है। तुमने कुछ देखा? Come on, शुरू हो जा, अब तो हद हो गई। तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? ये ग्रिल लाइन सिटी वगैरह क्या है? बेहतर होगा हम यहाँ से चले जाएं। जल्दी आओ एली, जल्दी चलो, जल्दी आओ, गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी भागो, चलो चलो। कम ऑन मिचेल, हमने इन चीजों का इंश्योरेंस नहीं कराया है, हर हाल में उन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। वो ठीक है, लेकिन इस आइलैंड से बाहर जाना है मुझे, मैं एक कैरेक्टर आर्टिस्ट हूँ ना के कोई हीरो। मैं तुम लोगों पर यकीन नहीं कर सकता, ये घटना अब तक की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाएगी हमारे पूरे इतिहास में। ये सही कह रहा है, अगर हम लोग इस कवरेज को करते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। हाँ बदल देगी, अब जिंदा है फिर मुर्दा बना देगी। What happened out there, sister? वहाँ बाहर कुछ भयानक सा है जिससे हमें खतरा हो सकता है, जो शूट किया इन्हें दिखाओ। Well, उन्होंने देख लिया है, तुम्हें क्या लगता है उन्हें समझ में आएगा? Cool, my friend. She was special, but we'll get another. Now you try to cool, okay? But another one cannot be she ever. I won't. इतने भयानक शूटिंग मैंने आज तक नहीं की। मुझे अपने एजेंट से इसके बारे में बात करनी होगी। हाँ, अगर वो तुम्हारी बात नहीं समझेगा तो मैं उसकी परवाह नहीं करूँगा। भीम मेरी जान, मेरी बात तो सुनो। मैं चाहती हूँ कि हम लोग उस जगह पे फिर से जाएं। और उस चीज को हम लोगों को शूट करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब हम उसे टेलीकास्ट करेंगे तो वो राइट सिर्फ हमारे पास होंगे, हमारे अलावा ये कैसेट किसी और के पास नहीं होगी। और जानते हो जब हम लोग टेलीकास्ट करेंगे तो उसके कितने पैसे मिलेंगे तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अच्छा हथियार है।
धक्के। एक सवाल, जब दो प्रेम करने वाले चोंच से चोंच लड़ाते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? अपनी मौत को गले लगाने के लिए हमें धोखा देने की कोशिश कर रही हो? हम मीडिया के लोग हैं। अरे जरा उससे प्यार से पूछो ना। तो मैं कहा कह रही थी, मेरे अपने हैं डार्लिंग। ऐसा करने से हम महफूज रहेंगे। तब तक अपना डर खत्म करने के लिए हम लोग एक एक पैर मार लेते हैं। ये कौन सी घटिया दारू है? लोकल ब्रांडी। तुम नौटंकियों को सूट नहीं करेगी। यस, कम से कम हम तुम्हारी तरफ प्रेग्नेंट नहीं होंगे। बोलो। वाह, चलो। गॉड। इस जगह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। ये उस फार्म हाउस से भी बदतर है। अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में मैं और कुछ नहीं जानना चाहती हूँ। ये तो 3 सीटर वाला मॉडल है। 6.2 सेकेंड से ज्यादा तेज रोशनी इस पर नहीं बननी चाहिए। ये सब दिमाग के अंदरूनी हिस्से हैं। वेल, हम लोग इतना तो जान गए हैं कि यहाँ पे कितने एलियंस हैं। जानती हो, यहाँ की पुलिस का कहना है एलियंस की खोज के लिए पुलिस पेट्रोलिंग नहीं है, मगर कहते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। कमीने कहें। अच्छा है, अच्छी शुभकामना है भाई। तुमने देखा, उसकी नाक अजीब तरह से फूलती जा रही है। अजीब है, ये एक हथियार है। वो उन्हें या तो उनके ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए मिला है या फिर किसी रिमोट कंट्रोल के जरिए। लगता है इसके अंदर का एलियन जाग गया है। अब हमें और भी होशियार रहने की जरूरत है। छोड़ो।
मैं हूँ मिशेल फॉक्स और मैं आपके सामने हूँ एक रियल एलियन एयरक्राफ्ट से। वाह, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे मेरे सारे सपने सच होने वाले हों। वाह, अरे क्या कर रही हो तुम? तुम कैमरे को ठीक से पकड़ो, मुझे फ्लिप करते। ओफो, क्या है ये हमारी तरफ बढ़ रहा है। चुप रहो और इसे शूट करो, कम ऑन। हमें कुछ मत करो, तुम अच्छे बच्चे हो ना, हमें छोड़ दो। मरने के बाद अवार्ड पाने से पहले हम यहाँ से भाग निकलते हैं। तुम बहादुर लड़की हो, तुमने मेरी जान बचा ली। थैंक्स। इट्स ओके, मेरा फर्ज बनता है। हमें बाहर जाकर एक नजर डालनी चाहिए, उनसे संपर्क करने का ये एक मौका है। हाँ मोटू साले, हम बाहर जाए और दूसरे स्पेस के लोगों का खाना बन जाए। हमें थोड़ी हिम्मत से काम तो लेना होगा ना। तेरा इंटरनेट में बैठ बैठ के दिमाग खराब हो गया है। वैसे तुम्हें मानना होगा ये जो भी कह रहा है ठीक कह रहा है। यू शट अप। जा बाहर जाना। हे गाइस, तुम लोगों को ये देखना होगा, तुम नहीं जानते हमने क्या काम कर दिखाया। हो सकता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए परेशानी हो, लेकिन वो असली हैं, एलियंस असली हैं। थैंक यू लॉर्ड। हे क्या बात है दोस्त, तुमने सही कहा था, अब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना ही है। एक्सक्यूज मी, इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो, तुम लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम लोग यहाँ से फौरन निकल जाएं? ये सब सच है, हमने एलियन शिप देखा था, उसमें 3 लोगों के बैठने की जगह थी और अब यहाँ पे 3 एलियन की लाश। लगता है हम जो ड्रामा करने के लिए आए थे अब वो सच हो रहा है। बाकी 2 एलियन का शरीर वो लोग वहाँ जला रहे हैं, तुम देख सकते हो। जान सकती हूँ तुम लोग किसको आग लगा रहे हो प्यारे भाइयों? कैट, इज दैट यू? इट साउंड्स यू। कैट, मुझे दर्द हो रहा है, किसी ने मुझ पर हमला किया है। Oh, son of... लगता है कोई मुसीबत आने वाली है, हमें चल के देखना चाहिए। ठीक है। जब इन किसानों को उन्होंने नहीं छोड़ा तो हमें भला कहाँ छोड़ने वाले। अरे ये क्या हो गया? गवर्नमेंट, ऐसा मत करो यार। ये किसान कैसे मरे हैं? तुमने तो कहा था कि कोई भी एलियन बचा नहीं है। शायद हमारा अनुमान गलत था कि शिप में कितने एलियंस हैं। लगता है मोटो का एक बड़ा भाई भी है। क्या कहा? हाँ, उसके कत्ल करने का अंदाज कुछ अजीब था। काश मैं उसे देख पाता, वो कैसा दिखता है। एक्सक्यूज मी गवर्नमेंट, मुझे लगता है कि तुम हमें कुछ ज्यादा ही डरा रहे हो। हमें किसी भी तरह बस तक पहुंचना होगा। हाँ। और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी मिले वो अपने पास रखो।
ए मोटो, तू एलियन एक्सपर्ट है ना, इनको मारने का तरीका तू ही बता। इस तरह के एलियन से मेरा पहली बार सामना हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से किसान कुछ ज्यादा ही घबरा गया है। हमें उनके जरिए संपर्क करना चाहिए। मुझे लगता है उनसे बात करके उन्हें मनाने में बहुत देर हो गई मेरी जानू। लेकिन हमें यहाँ हथियार कहाँ से मिलेंगे? यही हमारे हथियार हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं जानता कि तुम किन ख्वाबों की दुनिया में हो, लेकिन मुझे कल का सूरज देखना है। अच्छा सुनो, जहाँ तक मैं अंदाजा लगा रही हूँ, मेरे ख्याल से बस एक ही एलियन बचा होगा। अच्छा, दो क्यों नहीं हो सकते? अरे ये तो गायब हो गया। मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे तुम लोगों को ही ठोक देना चाहिए। अबे साले, मुझे क्यों मार रहा है तू? शबात मत करो तुम लोग, हम लोगों को एक साथ रहना होगा, समझ गए? अरे क्या हुआ? सॉरी वो आ, मैं अंधा हो गया। ओह गॉड, मैं अंधा हो गया। कम ऑन क्विक, सबको बस में लेकर जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। अबे वो मोटू की औलाद, वो काटे वाली मशीन स्टार्ट कर। नहीं था, इसे करीब से देखूंगी। अरे इसे यहाँ से लेकर चलो। मेरी आंखें, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो। मुझे मेरी वो दवा दे दो, उसको पीने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ओके, हम सब लोगों को बस में मिलना होगा। मैं मौत को मुझसे बाहर निकला। मेरे ख्याल से ये मर गया। अरे कोई तो जाकर उसकी मदद करो। जरा सोच के तो देखो, ये फुटेज हमें सिर्फ पैसे ही नहीं, ढेर सारे अवार्ड का हकदार बना देगी। हाँ, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं गए तो वो अवार्ड हमारे भूत लेंगे। हाँ। ओ गाइस, कम ऑन, रिलैक्स, ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? कमबख्त कमीने, क्या हुआ? लगता उनमें से एक पागल हो गया है। शिट, मैं उसको उठाकर लाता हूँ। नहीं रीक, नहीं, देखो वो पकड़ी गई तो वो मारी जाएगी, तुम पीछे गए तो तुम भी मारे जाओगे। अगर तुम्हें मरने का शौक है तो ही पीछे जाओ, अभी हमारे पास बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, हम फौरन बस में पहुंच जाएं। मेरी बात मानो, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, गाड़ी रोको वरना मैं गोली से उड़ा दूंगी। हे, ये मिशेल कहाँ रह गई? तुम लोगों ने उसे बाहर ही छोड़ दिया। मुझे लगता है ये समझ गए कि वो कितनी बातों नहीं है ना। तू अपनी जुबान बंद कर साले। कोई मुझे पीछे सीट देगा? कोई भी शर्त लगा ले, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। हाँ।
सिर्फ यकीन करने के लिए। वाह 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 भाई, क्या बात है, कमाल कर दिया। हम पूरे एक एलियन को मारने में कामयाब हुए, लेकिन ये कामयाबी और कितनी देर? ये गेबिन कहाँ चला गया? मर गया होगा, हम सब मरने वाले हैं। तुम अपनी बकवास बंद करो वरना। ये एक बकवास टीवी शो है, हमारी जान से ज्यादा इसकी अहमियत है क्या? ओ कम ऑन, क्या कर रहे हो? इस तरह से लड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हालात और भी बिगड़ जाएंगे। क्या अभी तक वहाँ जलजला आता है? ये कोई जलजला नहीं। आप कमाल कर रहा है, जमीन हिल रही है। अरे मुझे ये क्या हो रहा है? लगता है बड़ी मुसीबत का सामना होने वाला है। क्या? जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। हमारे पीछे नहीं था। फंस गए। जो सामने आ रहा था उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। क्या क्या देखा तुमने? अरे मुझे यहाँ से जल्दी बाहर ले चलो। समंदर को थोड़ा थम जाने दो, उसके बाद हम निकल सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे यहाँ से समुद्र में फेंक दो, मैं तैर के निकल जाऊंगा। अरे बकवास बंद कर, ये सब तू कैसे करेगा? ये देख। Yeah.
के खातिर कर रही थी काविन। तो क्या हम बिना काम के हैं? जानती उस पल को क्या कहेंगे? पोएटिक जस्टिस। सॉरी मैं तुम्हें सी रोड पर छोड़ने जा रहा हूं। बाय बाय। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम क्या सोचती कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? काविन। अरे जैक वो बैंड टूट जाएगा। I'm sorry रिकी, मुझे इस बैंड को तोड़ना ही होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो एलिन हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें बस की तरफ वापस जाना ही है। ये जगह बहुत जल्द तबाह होने वाली है। हमें अपनी हिफाजत के लिए फार्म हाउस पहुँचना ही होगा। तुम्हें जो करना है करो, मैं समुद्र तय कर लूंगा। अरे मैंने कहा था ना ये सब बकवास है। अरे तुम्हारी आंखों को दिखता भी नहीं है। अरे दिखता नहीं तो क्या हुआ, मैं तैरना तो जानता हूँ। अरे ऐसा करना आत्महत्या के बराबर है। यहाँ रुकना भी मौत के बराबर है। बाय। रुक जाओ, जब तुम जा ही रहे हो तो इस सबूत को भी अपने साथ लेकर ही जाना। देखो मैं उस पार पहुंच के तुम्हारी मदद करूंगा। हाँ अपना ख्याल रखना। अब जाओ। हमने जो शिप खोई थी बिल्कुल उसी तरह की है। ओ, रॉडनबेरी का नाम भी इस पे लिखा है। फाइडो, ये फाइडो है। ये वो स्काउट शिप है, यानी हम सही जगह पे पहुंचे हैं। ग्रेट, तो अभी हमें बाहर निकलने का रास्ता देखना है। ऐसे नहीं, धीरे से। हो सकता है तुम धीरे से छुओ तो इसे अच्छा लगे। ये काम कर रहा है। ऊपर 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 कमान ऊपर जाओ। ओ ये तो वाकई काम कर रहा है। कवि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। Thank you.
दिया। कम ऑन, कुछ नहीं नजर आ रहा है, अब यहां से हमें पैदल ही जाना होगा। ओके, ये लो अपने पास रख लो। ठीक है, चलने के लिए तैयार हो जाओ। वाह, वो चीज क्या है? हल मिल गया। यहाँ जो चीज है उसे हम एलियंस का खात्मा कर सकते हैं। तुम उसे चलाना जानते हो? ये कितना मुश्किल हो सकता है। चाबी कहाँ है? Thank you.
blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, put. शुक्र है मैं बच गई। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ सही नहीं हो रहा है। शुक्र है हम सही सलामत से बाहर निकले। रिकी कहाँ है? क्या किसी तरह का उसके पास कोई प्लान है? उसने तुम्हें कोई मैसेज दिया? अच्छा, मैं तुम सबको जहन्नम में पहुंचा के रहूंगा। जलकर राख हो जाओगे। जानते हो उनके बारे में? ठीक है।
खड़ो जा सिम सिम। थैंक यू गॉड, मैं उन कमबख्त एलियन की दुनिया से बाहर आ गया। वो कैसे? ओ गॉड! Oh, you're gonna cry out.
And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.